फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी कैफे। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि हम जो नया इनकम टैक्स पोर्टल है उस पे अगर हम ITR 1 फाइल करते हैं तो ITR 1 की क्या-क्या फीचर्स हमें देता है नए, और हम ये भी देखेंगे कि ITR 1 फाइल करने का क्या प्रोसेस है ऑन द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। तो सबसे पहले तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली अगर अपनी ITR फाइल करनी है तो यू नीड टू हैव अ वैलिड पैन। तो उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको दोबारा ID बनाने की जरूरत है, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने ID बना दी, जो पुराने पोर्टल पे आपने ID बनाई थी, तो आप उसी से कंटिन्यू कर सकते हो, आपको दोबारा ID अपनी बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये मेरा आ गया डैशबोर्ड। ठीक है, अभी मुझे रिटर्न फाइल करनी है तो मैं क्लिक करूंगी ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। मैं गई फाइल रिटर्न पे। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट करा कि मुझे रिटर्न फाइल करनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। मैंने ऐसे करके कंटिन्यू। अब देखिए, ITR 1 और ITR 4, अगर आप पुराने पोर्टल की बात करेंगे तो पुराने पोर्टल पे भी ऑप्शन था कि आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते थे और ऑफलाइन भी फाइल कर सकते थे। ऐसा ही यहाँ पे भी है, नए पोर्टल पे भी आप ITR 1 और ITR 4 जो है वो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन हाँ, बाकी सारी जो रिटर्न्स है वो आपको ऑफलाइन फाइल करनी होगी। ITR 1 ऑफलाइन कैसे फाइल करनी है विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी, उसके लिए मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है। वो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ऑफलाइन बताऊंगी। यहाँ पे मैंने मोड सिलेक्ट किया ऑनलाइन, तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने फाइलिंग पे क्लिक किया, मैंने स्टार्ट अ न्यू फाइलिंग। अब मेरा जो स्टेटस है वो है इंडिविजुअल, मैंने कंटिन्यू किया आगे। ठीक है, मुझे क्या भरनी है, मुझे ITR 1 भरनी है कि मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू ITR 1 दिखाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, अभी यहाँ पे मुझे पहले बताना होगा कि मैं ITR क्यों भर रही हूँ। तो मेरे केस में भी अगर टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, इसलिए मैं ITR 1 फाइल कर रही हूँ। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मैं बिकॉज ऑफ 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1) फाइल कर रही हूँ 10, तो उसके लिए मुझे फिर वो वाला ऑप्शन अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा। तो और इसमें अदर्स में एक ये रीजन हो सकता है, अगर मैं वॉलंटरी फाइल कर रही हूँ तो फिर उसके से मैं फिर अदर्स पे सिलेक्ट करूँ। ठीक है, तो ये तो जी आ गया आपका डैशबोर्ड। ठीक है, अब देखिए, हमारे जो ITR 1 है उसके एक तरह से देखा जाए तो ये 5 लिम्स हैं। तो ये आपको 5 लिम्स को फुलफिल जब आप कर लेते हैं तो आपकी ITR जो है वो फाइल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से शुरुआत करते हैं। तो ये जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये ऑटो पॉपुलेटेड है। अच्छा, अब ये वाली जो ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा पैन और आधार तो चेंज कर नहीं सकती, ना डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज कर सकती, तो उसके लिए व्हाट आई नीड, मेरे को अपना पैन में अमेंडमेंट कराना है। बट हाँ, यहाँ पे मैं अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो कि मेरा एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे को अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज करना है। ठीक है, तो मैंने चूज करा। अब मैं रिटर्न कौन से सेक्शन के अंदर फाइल कर रही हूँ। ITR अगर मैं अपने ड्यू डेट पे फाइल करी तो मैं 139(1) करूंगी। अगर मैं देर से फाइल करी तो मैं 139(4) चूज करूंगी। अगर मैं अभी रिटर्न को रिवाइज कर रही हूँ तो मैं 139(5) करूंगी। और अगर मैंने कंडोनेशन की अपने असेसिंग ऑफिसर से अप्रूवल ले लिया है और उसके बाद में फाइल करी तो मैं 119 सबसेक्शन 2 चूज करूंगी। ठीक है, उसके अलावा एक रीजन ये भी हो सकता है ITR फाइल करने का कि आपको कोई नोटिस आया है। तो अगर आप नोटिस की रिस्पांस में फाइल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है डिटेल्स देनी होगी कि अगर मैं 139 सपोज मेरे को मेरी ITR में कोई डिफेक्ट है तो उस केस में मुझे 139 सबसेक्शन 9 में फाइल करना होता है। तो मेरे को अपनी ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसका डेट डालना होता है, और साथ ही साथ जो मेरे को डिफेक्टिव रिटर्न का अगर नोटिस भेजा है तो उसका एक यूनिक नंबर होता है। बिकॉज अब आप CBDT के कोई नोटिसेस आप कोई भेज नहीं सकता असेसिंग ऑफिसर विदाउट द यू नो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो आपको डालना होता है। तो इसी तरह से सारे ही सेक्शन का आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर मैं इन रिस्पॉन्स फाइल करूँ। लेकिन मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ कि मैं अपनी रिटर्न जो है वो नॉर्मली फाइल कर।
ठीक है, तो मैं 139 में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अपनी रिटर्न को फाइल करूँ। ठीक है, अब फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि क्या आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है अंडर 115 BAC। तो मेरे केस में मैंने सपोज मैंने ऑप्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बार और उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि क्या मैं 7 प्रोविजो में फाइल करूँ, कि इनिशियली उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने वहीं पे आंसर दे दिया था। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो नो ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नीचे जो है अपनी बैंक डिटेल्स देनी होगी। तो बैंक डिटेल्स को सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले तो एक अकाउंट चूज करना होगा अपनी रिटर्न, अगर आपका रिफंड है तो उसके लिए, और आप चाहे तो मल्टीपल अकाउंट में भी रिफंड ले सकते हैं। बट हाँ, इसमें जो भी रिफंड आपको जिस भी अकाउंट में चाहिए वो आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब अगर मेरा कुछ ये जब मैं पूरी इन्फॉर्मेशन फाइल कर दूंगी तो आप देखेंगे रिटर्न समरी में जो मेरा फर्स्ट लिंक है उस पर ग्रीन टिक आ गया। अब चलते हैं, सपोज मैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम डाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज अपनी अपनी जो इनकम डाली वो मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डाली, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे अपनी ये इनकम डाली कि मुझे जो है इंटरेस्ट आया है और मुझे FD का इंटरेस्ट आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखेंगे, मैंने सपोज ये डाल दिया कि मेरे को 10 लाख का FD का इंटरेस्ट आया है, मैंने इतना डाल के कर दिया, ठीक है। अभी इसमें आप एक चीज और देख लीजिए कि जो डाटा है वो नहीं आ रहा। डाटा आपका आइडियली अगर आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि FD इंटरेस्ट जो है वो तो ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए 26 ईयर्स से, तो अभी इसमें डाटा इसलिए नहीं आ रहा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इनकम टैक्स की भी इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था कि अभी कुछ दिन लगेंगे और दे आर इन स्टिल इन प्रोसेस, तो कुछ दिन बाद जो है वो डाटा पूरी तरह से ऑटो पॉपुलेट होगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी इनकम जो है वो डाल दी, ठीक है। तो आप देखेंगे मेरा सेकेंड लिंक जो है वो भी यहाँ पे ग्रीन हो। अब क्या मेरी कोई डिडक्शन है, डिडक्शन यानी हो सकता है मेरी ATC में कोई डिडक्शन हो, या फिर मैंने कहीं डोनेशन दिया तो मुझे ATG में डिडक्शन मिलेगा, या फिर हो सकता है मेरी ATD में कोई मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस हो, तो वो सारी डिटेल्स जो है वो मैं यहाँ पे फिल करूँगी। तो सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ कि मेरा ATC में, क्योंकि ATC तो बहुत कॉमन है, तो मैं मान कह रही हूँ मैंने ATC में 150,000 तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आप नोटिस कर सकते हैं, नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ATTEBP जो कि होता है इंटरेस्ट आपको डिडक्शन तब मिलता है जब आप सेविंग सीनियर सिटीजन होते हैं, अगर आपको सेविंग इंटरेस्ट आ रहा होता है तो आपको ATTEBP का डिडक्शन देता है। तो आप देखेंगे मेरे केस में ये ग्रे शेड में आ रहा है और मैं यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं कर सकती। तो इसका रीजन ये है माई डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे को ऑब्वियसली ATTEBP का डिडक्शन मिलेगा भी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दी। अच्छा, इसमें एक चीज और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं देखिए कंटिन्यू कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो एक ये मुझे वार्निंग देगा, ठीक है। तो ये एक वार्निंग देता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये एज पर फॉर्म 16 इतना है और आपने यहाँ पे ATC में 150,000 डाला है। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये मुझे कंपेयर करके भी बताएगा कि आपके फॉर्म 16 में तो आपके एम्प्लॉयर ने इतनी फीडिंग करी है और आपने इतना इन्वेस्टमेंट डाला है, और अगर अकॉर्डिंगली कोई मिसमैच है तो वो भी मुझे यहाँ पे डिटेल्स देगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने मेरे को नीचे वार्निंग दी कि आपने जो डिडक्शन डाली है 150,000 की, ठीक है, इट इज मोर देन द डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय योर एम्प्लॉयर, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे फॉर्म 16 का तो डाटा वैसे भी ऑटो पॉपुलेट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि आप बहुत सारे लोग होते थे जो इन्वेस्टमेंट डाल देते थे, और कई बार ऐसा भी होता था कि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट डाल देते थे। तो उन लोगों के लिए कि उन लोगों को आप थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अब डिपार्टमेंट आपकी एक एक चीज को वेरीफाई करेगा, तो आप इस तरह की जो डिडक्शन वगैरह हैं वो तब तक नहीं डाल सकते जब तक आपके पास कोई वैलिड प्रूफ ना हो, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट को कुछ भी मिसमैच मिला तो आपको आगे चल के नोटिस आने की संभावना है। तो ये मैंने कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो अब देखेंगे इसी के साथ जो है मेरा जो थर्ड लिंब है वो भी पूरा हो गया। अब हम आते हैं टैक्सेस पे। टैक्सेस पेड में कुछ डिटेल्स जो है वो मेरे 26 AS से आएंगी,
जैसे अगर मैं सैलरी इनकम की बात करूँ, अदर देन सैलरी का भी हो सकता है, अगर मेरा टीडीएस कटा हो तो 26 AS से आएगा। अगेन अगर मेरा फॉर्म 16C में कोई टीडीएस है तो वो भी अगेन यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। अगर मेरा कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो वो डाटा भी ऑटो पॉपुलेट होगा। बट क्योंकि अभी जो लिंक नहीं है हमारी वेबसाइट प्रॉपरली, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एक बार जब लिंकिंग पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे डाटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा फ्रॉम 26 AS। अब सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे कोई सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स भी अगर पे किया होगा तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर है। ठीक है, अब मेरे केस में मैंने कोई टैक्स नहीं पे किया तो मेरे जो टोटल टैक्सेस पेड है वो 0 है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो निकाल ली। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये खोलना होगा और यहाँ पे मुझे अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो मेरी मेरा जो टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है उसको चेक करके कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पे मेरा टैक्स कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट लग रहा है 234A का, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैं अपनी जो रिटर्न है वो ये जो रिटर्न मैं भर रही हूँ ये ड्यू डेट से पहले भर रही हूँ। 234A का जो इंटरेस्ट लगना शुरू होता है वो ड्यू डेट के बाद लगता है। 234B और सी का इसलिए इंटरेस्ट लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एडवांस टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हूँ लेकिन मैंने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे 234B और सी का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा 234F में जो कि 8% क्योंकि ड्यू डेट से पहले मैं फाइलिंग का दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे 234F की भी जो 8% है वो 0 है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट और फीस पेबल है ये इन्होंने मुझे स्पेसिफाई करके बता दिया। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे कंफर्म करा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। अब इसमें एक चीज और है, अगर आप देखेंगे तो अब मैं अगर मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ ना तो इसमें एक बड़ी नई इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे मुझे टैक्सेस के केस में इन्होंने पे नाउ पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मेरे को देखिए पे नाउ के पर अगर मैं जाती हूँ तो ये अगेन मुझे ये साइट पे ले गया जहाँ पे मैं अपने टैक्सेस को पे कर सकती हूँ। ठीक है, सो अगेन लेट मी गो बैक टू द पोर्टल और यहाँ पे इन्होंने मुझे एक चीज और दी, यहाँ पे इन्होंने मुझे पे लेटर का भी ऑप्शन दे दिया। मैं चाहूँ तो पे लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकती हूँ, बट अगेन साथ में उन्होंने मुझे वार्निंग भी दे दी कि आप अगर टैक्सेस को टाइम पे पे नहीं करते हो तो आप असेसी इन डिफॉल्ट हो जाओगे और आईटीआर फाइल करने से पहले आपके सारे टैक्सेस जो हैं वो पेड होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑल्दो उन्होंने मुझे ऑप्शन तो दे दिया बट यहाँ पे फिर ऑप्शन के साथ उन्होंने मुझे वार्निंग भी दे दी। बट क्या ये कोई हिंट है कि मैं पे लेटर करके भी अपनी रिटर्न को फाइल कर सकती हूँ? तो इसके लिए आई थिंक सीबीडीटी को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए बिकॉज यहाँ पे इन्होंने हमें यूटिलिटी में ऑप्शन प्रोवाइड किया है पे लेटर करने का, तो आई थिंक दे शुड क्लेरिफाई कि क्या मैं पे लेटर करके भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकती हूँ। बिकॉज अब तक जो मैंने देखा था अगर हम पे लेटर मतलब अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं और आईटीआर फाइल करते हैं तो आगे चल के डिफेक्टिव हो जाती है। तो व्हाट आई थिंक इस केस में सीबीडीटी को कोई ना कोई हमें यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि अगर मैं पे लेटर करके अपनी आईटीआर को फाइल कर दूँ तो यहाँ पे वो मुझे कितने दिनों का टाइम देंगे, तो वो सारी जो चीजें हैं वो सीबीडीटी को क्लेरिफाई करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब मैं कर दूंगी तो यहाँ पे मुझे अपना रिटर्न को प्रिव्यू करना होगा और ये सारी डिटेल्स जो मैं नॉर्मली देती हूँ वो देख के मैं अपनी रिटर्न को फाइल कर सकती हूँ। तो ये तो था माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही बेसिक प्रोसीजर था आईटीआर 1 फाइल करने का ऑनलाइन। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो देखिए यूटिलिटी के थ्रू आपको क्या करना होता है, जेसन जनरेट करना होता है, फिर वो जेसन को आप अपनी यहाँ पे ऑफलाइन मोड में अपलोड करके रिटर्न को फाइल करो। तो अगर आपको ऑफलाइन का प्रोसेस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आईटीआर ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद मैं फाइल कर देती हूँ, सबमिट कर देती हूँ और उसके बाद वेरिफिकेशन के मेरे पास दो मोड होते हैं, या तो मैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकती हूँ या फिर मैं ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकती हूँ। ऑल्सो कोविड के टाइम पे इट इज बेटर कि अगर आप ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन कर लें। ई वेरिफिकेशन आप आधार OTP से कर सकते हो, आप अपने डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट या डीमैट अगर प्री वैलिडेटेड है तो उसके थ्रू आप EVC जनरेट करके ई वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये तो सारे आपके वेरिफिकेशन के मोड्स भी डिस्कस हो गए।
तो ये आपका पूरा आईटीआर फाइलिंग का, आईटीआर वन का जो एक बेसिक प्रोसेस है मैंने डिस्कस करा, जैसे कि मुझसे बोला भी गया था कि एक बार मैम बताइए आईटीआर वन कैसे फाइल होगी, तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि पोर्टल थोड़ा स्टेबल हो जाए। ऑल्दो पोर्टल अभी पहले से स्टेबल है, बट हाँ ऑटो पॉपुलेटेड डाटा नहीं आ रहा। एक बार ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आ जाएगा तो आप लोग का काम और भी आसान हो जाएगा। बट हमने एक चीज देखी, इंटरलिंकिंग थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आपको बहुत ही अच्छे से रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, बहुत ही डॉक्यूमेंट्स देख के फाइल करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अगर जस्ट बिकॉज आपका क्लाइंट कह रहा है कि हाँ जी हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है आप सिंपली डिडक्शन ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर उसने एक्चुअली में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी होगी तो देयर आर चांसेस कि आगे चल के आपको नोटिस आ जाए। और अब तो सरकार ये भी कह रही है कि वो थोड़े टाइम में इतना ऑटोमेट कर देंगे कि आपको कुछ नहीं करना होगा, पूरा डाटा आपके पास प्रीफिल्ड होगा, आपको बस उसको एक बार वेरीफाई करना है और अपने रिटर्न को फाइल करना है। सो दिस वाज द बेसिक यू नो प्रोसेस ऑफ फाइलिंग आईटीआर वन, जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड उसके अलावा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे जाके हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।